सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा सूद के बारे में, एक बार मैं दोहरा लेता हूं तुम्हारे सामने, क्यों इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह क्यों है? इमाम अहमद इब्न हंबल रहिमहुल्लाह से एक आदमी ने सवाल किया, पेट में जाने वाली चीजों में सबसे गंदी चीज कौन सी है? पेट में जाने वाली चीजों में सबसे गंदी चीज कौन सी है? इमाम अहमद इब्न हंबल रहिमहुल्लाह ने कहा शराब है। क्या कहा? शराब है। जब वो आदमी जा रहा था कहा नहीं नहीं नहीं, आओ वापस आओ, शराब नहीं है, शराब से गंदी चीज है सूद से जो खाना हम खाते हैं, सूद के जरिए, इंटरेस्ट के जरिए, सुभान अल्लाह, जो हम कमा के खाते हैं ये दुनिया में सबसे गंदी चीज है। कुछ अहादीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं, जब तक कौम इसमें मुलव्विस रहेगी कौम को इज्जत भी नहीं मिलेगी, ऊपर आएगी भी नहीं कौम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इदा तबायातुम, ये इंशाअल्लाह अल्लाह से मैं दुआ करता हूं, अल्लाह मुझे और आपको, अल्लाह हर मुसलमान को अमल की तौफीक अता फरमाए, जी अल्लाह से मेरी दुआ है। जी हां, नबी करीम सल्लम का लफ्ज है इदा तबायातुम अलईना, जब ऐसा वक्त आएगा मुसलमानों जब तुम सूद का कारोबार करोगे, सूद का कारोबार करोगे, छोटी छोटी चीजों के लिए सूद में चले जाओगे, मामूली चीजों के लिए, वैसे भी नहीं है, अक्सर लोग मजबूरी में नहीं जा रहे हैं, छोटा दुकान है, बड़ा बनाना है, सूद में चले जाइए। जी हां, और ये बैंक वाले अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह रहम फरमाए, भिखारियों से ज्यादा गिर के, भिखारियों से ज्यादा गिर के हमारे पीछे पड़े रहते हैं, जिसका अकाउंट आगे जा रहा है, अकाउंट में जरे पैसे पड़े हुए हैं, ये कार्ड ले लीजिए, ये कार्ड ले लीजिए, ये लोन ले लीजिए, फला ले लीजिए, दिन में 100 फोन आपको करेंगे, और अगर आप ले लिए और आगे पीछे हो गए, यही तुम्हारा गला दबा देंगे, यही तुम्हारा गला दबा देंगे। सैकड़ों लोग मिसालों में मौजूद हैं, सैकड़ों लोग मिसालों में मौजूद हैं, सुभान अल्लाह। अगर यही कारोबार, ये दुनिया जो तालीम देती है, BBM की तालीम हो, MBA की तालीम हो, जिसमें सूद को आगे बढ़ाया जाता है, अगर यही सही है तो बैंक बंद क्यों हो रहे हैं? बैंक खाली क्यों है? दिवाला क्यों गिर रहा है मेरे भाई? इसलिए कि नबी के तरीके को दुनिया छोड़कर अगर डिग्रियां भी कर ले, PhD भी कर ले, कभी कामयाबी मिलने वाली नहीं है। सुनिए इन हदीसों को। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद के बारे में जो कहा है, नबी करीम सल्लम का यह लफ्ज कितना बड़ा है, सुनिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूद के ताल्लुक से कहते हैं, सूद का जो कारोबार है, सुभान अल्लाह, सूद का जो कारोबार है यह मुसलमानों का नहीं है। एक मुसलमान कभी सूद का कारोबार नहीं कर सकता, कितनी भी तकलीफ आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, एक मुसलमान कभी नहीं कर सकता। यह यहूदियों और मुशरिकीन का कारोबार है, यह उनका तरीका है। कैसे? कब कहा अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? कब कहा? आखिरी खुतबा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हज्जतुल वदा का मैदान है। अल्फाज इस तरीके से हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अला कुल्लु शैइन मिन अम्रिल जाहिलिया तहत कदमय मौदूउन वरिबल जाहिलियत मौजू। अल्लाह के रसूल के अल्फाज हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खबरदार जाहिलियत की हर चीज मेरे पैरों के नीचे मैं रौंदता हूं। क्या लफ्ज है नबी फरमा रहे हैं? जाहिलियत की हर चीज मेरे पैरों के तले रौंदता हूं। क्या है जाहिलियत? मुशरिकीन का तरीका, यहूदियों का तरीका, मैं पैरों के नीचे रौंदता हूं। और नाम लेकर नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो रिबल जाहिलिया, और खास तौर से जो जाहिलियत का सूद है, जाहिलियत का बड़ा सूदी कारोबार हुआ करता था इस्लाम के आने से पहले, मेरे पैरों के नीचे मैं रौंदता हूं। यह हमारा तरीका नहीं है, यह हमारा तरीका नहीं है। अल्लाह ताला हर मुसलमान को बचाए, अल्लाह हर मुसलमान को बचाए, अल्लाह हर मुसलमान को नबी की तिजारत करने की तौफीक अता फरमाए, बातिल तरीकों से बचने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए।